नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। और आपको बता दें कि छठवें चरण की जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और छठवें चरण में 57 सीटों पर आज मतदान होना है। इस दौरान कई दिग्गजों ने भी मतदान किया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया अब अपने आखिरी दौर में है। लगभग 7 चरणों में हो रहे यूपी चुनाव के छठे चरण में आज पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। यूपी चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोटिंग लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला, राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी वोट डाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री है और उन्होंने वोट डाला है और बीजेपी सांसद शिव प्रताप ने मतदान किया है, तो वहीं पर उपेंद्र तिवारी उन्होंने भी मतदान किया है। और इसी बीच सिद्धार्थनगर से खबर आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर से ये खबर सामने आ रही है, विधानसभा इटवा के दुफेडिया में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 176-177 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। विधानसभा इटवा के दुफेडिया में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो सिद्धार्थनगर से ये खबर, ईवीएम खराब होने की एक और खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर के विधानसभा इटवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बूथ संख्या 176-177 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या कुछ करें आइए सुन लेते हैं। कदम से कदम चल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, कैसी रहेगी छड़ी की, क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, हर जगह से छड़ी जीती है। मोदी जोगी जी यहाँ से चलती है, जैसे कि जोगी मोदी बहुत परेशान कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाओं लोग अभी तरह से परेशान हैं, जैसे कि जब फोन हर चीज दुकान दौरी सब कुल बंद कर दिलन, रोजगार बंद कर दिलन, और फिर लड़कन के पढ़ाई लिखाई एकदम डांड कर दिलन, लड़का सब साल दो साल से बैठल बारे, फिर ओकरे बाद में महिलाओं सड़क पर उतर के रोवत बाइन कन्नत बाइन की भाई दारू काहे ना बंद कैला, दारू बंद कर देव चाहिए भाई, दारू पिए वाला लड़का आदमी सरकार ऐसा कर दे बा कि दारू बंद करो, दारू बंद करके महिलाओं को मतलब शिक्षा दे। अच्छा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और इनको किस रूप में आप देखना चाहती हो? उप मुख्यमंत्री या किस रूप में आप देखना चाहती हैं? अपने धंधा के लिए, अपने रोजगार के लिए, कि रोजगार मांगा था नहीं देता है सब, मतलब हम लोग इस्तीफा दे दे के लेके बहुत कष्ट हम लोग उठाए। तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मताधिकार के प्रयोग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। और आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की खबर का हम जिक्र कर रहे थे, आपको बता दें विधानसभा इटवा के दुफेडिया में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से, ये खबर। और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? में बूथ संख्या 176 और 77 और डुमरियागंज विधानसभा में बूथ संख्या 270 प्राथमिक विद्यालय भानपुरानी की ईवीएम खराब हो गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दे दी गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचकर तुरंत मशीन सही कराएंगे या दूसरी मशीन वहां उपलब्ध कराएंगे। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें पुरुषोत्तम, तो क्या चल रहा है वहां पर, मतदान रुका हुआ है? वर्तमान स्थिति में मतदान केंद्रों में बाहर लंबी कतार लगी हुई है, मतदान इस समय रुका हुआ है। पुरुषोत्तम, जहां पर मशीन खराब हुई है वहां पर अभी मतदान रुका हुआ है या मशीन बदल दी गई है? जी, अब अभी भी दोनों जो तीनों जगह ये मतदान रुका हुआ है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने के बाद ही मतदान पुनः शुरू हो पाएगा। अभी इसमें लगभग कितना वक्त लगेगा पुरुषोत्तम, इसकी कोई जानकारी?
जी सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो हमारी बात हुई वो 10 से 15 मिनट का समय बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में हम मशीन सही करा के मतदान पुनः शुरू कराएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। तो मशीन अभी भी खराब है, ये सिद्धार्थनगर से खबर हम आपको बता दें, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। तो सिद्धार्थनगर में ये ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है, जहां पर अभी भी बात करने पर यह कहा जा रहा है कि आप 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा यशीष शुक्ला हमारी संवाददाता गोरखपुर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से सुबह आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया और उसके बाद जिस तरह से वो विक्ट्री साइन एक तरह से दिखाते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने जब मीडिया से बात की सर, तो एक चीज उसमें खास दिखी, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता 300 से ज्यादा सीटें जीतने की लगातार बयान दे रहे थे, आपने भी सुना होगा, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया कि पौने 300 से 300 सीटें जीतेगी बीजेपी, तो ये क्या आपके हिसाब से ये क्या दर्शाता है सर? देखिए शांतनु जी, जिस तरीके से चुनाव पहले चरण से और पांचवें चरण तक मतदान हुआ जी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एंटी कन्वेंशन दिखाई दी और पश्चिम में जिस तरीके से किसान नाराज था और वो पश्चिम से चरण आते आते मध्य तक जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है उनको पता लग गया है कि उनकी जो जनता की नाराजगी थी वो ईवीएम में तब्दील हुई है। और जो बाइपोलर चुनाव है अखिलेश बनाम योगी का, उसमें मतदाता जो है वो अखिलेश की तरफ गया है साइकिल की तरफ। योगी जी ने अभी मतदान किया है, मतदान करने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिया। देखिए हर रणनीतिकार जो राजनीति का रणनीतिकार होता है वो अपनी रणनीति को ये नहीं कहता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, वो यही कहेगा कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेक टू नेक फाइट हुई है और ये जो छठवां और सातवां चरण है ये योगी जी की नाव प्रतिष्ठा में लगी है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव था वो मोदी के नाम पे लड़ा गया और अब योगी जी की के नाम पे ये चुनाव इन चरणों में हो रहा है जहां पे मठ की सीटें हैं, काफी सीटें योगी आदित्यनाथ के प्रभाव में है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां पे उन्होंने एक जापानी बुखार पे काम किया और ये सारे मुद्दे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, इधर यूक्रेन का जो ये संकट हुआ ये भी एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बना। ऐसी किस्म जो स्थानीय मुद्दे थे, जैसे छोटी छोटी जात के लोग हैं जो ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए जहूराबाद में, वो सादात आत्मा से उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी ने सादात आत्मा को उतारा और शिवपाल ने सादात आत्मा के लिए कहा था कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हो गया तो वो जहूराबाद सीट बहुत दिलचस्प हो गई है। ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपका ये कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और अखिलेश यादव का जो पश्चिम में जिस तरह से वोटिंग हुई है उसको लेकर लगातार ये जो इसी वजह से जी प्रभात जी मानना है कि कोई भी पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है जी, क्योंकि हर चरण में भारतीय जनता पार्टी को 10-15-20 सीटें नुकसान हुई है। प्रभात जी कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी संकट में है और निश्चित तौर पे नेक टू नेक फाइट हो रही है। अब ये ईवीएम में पता लगेगा, क्योंकि मतदान का प्रतिशत भी लगातार कम हो रहा है, हर चरण में मतदान कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो वोटर साइलेंट वोटर है वो किस तरफ जा रहा है, वन साइडेड कोई वोट कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है प्रभात जी, वापस लौटेंगे आपके पास, एक छोटा सा कमेंट रणविजय सर से ले लेते हैं, उसके बाद यशी आपके पास आएंगे। रणविजय सर, जिस तरह से आपने सुना कि लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार आ रही हैं और निश्चित तौर पर ये जो समय जाया होता है, क्योंकि 6 बजे तक का समय है और ये जो समय खराब हो रहा है इसकी वजह से मतदान प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा, इस पर आपसे कमेंट लेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247 Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सर और प्रभात त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं। रणविजय सर आपके पास आएंगे। मैंने सवाल किया था कि जिस तरह से मशीन ईवीएम मशीन लगातार खराब होने की खबरें आ रही हैं, सर कितना असर पड़ेगा इस बार जो छठे चरण का जो मतदान हो रहा है उस पर भी? ईवीएम मशीन खराब होने पर जितना समय जाया हो रहा होगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रत्याशी से मिलेंगे और उनको समय बढ़ाना पड़ेगा। वो इस तरह से नहीं कह सकते कि तीन घंटे चार घंटे मशीन खराब रहेगी, दो घंटे खराब रहेगी तो उतना समय जो है जाया हुआ है तो उतना समय जो निर्धारित समय है उसमें से कमी रहेगा, वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा इसी वक्त। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर में बूथ पर मतदान का बहिष्कार किया है मतदाताओं ने। आपको बता दें कुशीनगर से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बांसी नदी पर पक्का पुल न बनने से ग्रामीण नाराज है और इसी वजह से मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है और पीपे का पुल है उसी के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। तो पक्का पुल नहीं होने की वजह से ये बहिष्कार। तमकोही राज विधानसभा के पिपरा घाट का ये पूरा मामला, कुशीनगर से ये बड़ी खबर। आपको बता दें बूथ पर मतदान का बहिष्कार किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। बांसी नदी पर पक्का पुल न बनने से ग्रामीण नाराज है और पीपे के पुल के सहारे नदी पार करनी पड़ती है और पक्का पुल न होने की वजह से ग्रामीण नाराज है और इसी वजह से तमकुही राज विधानसभा के पिपरा घाट का यह मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता केदार यादव जुड़ गए हैं। केदार, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी आपको बताएं, कुशीनगर जनपद के तमकुही राज के पिपरा घाट में जी जो ग्रामीण जो है वहां जो है मतदान के जो है कह रहे हैं कि मैं हम मतदान नहीं करेंगे जब तक हम लोग का आने जाने का सुविधा होता है, पुल नहीं बनेगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। इसके लिए अब डीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं, मतदाताओं को जो है मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदान जो है चालू हो जाए। बूथ संख्या 320 और 321 323 पर वोटर जो है वोट देते हैं। वो तीनों बूथ पे जो है कहीं भी अब तक जो है कोई मतदान शुरू नहीं हो पाया है। जी केदार, तो कितने लंबे समय से ये मांग ग्रामीणों की चली आ रही है और यहाँ से सिटिंग विधायक कौन है, क्या उनसे संपर्क किया गया है, उनका क्या कह रहा है? जी आपको बता दें कि यहाँ से अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहाँ से दूसरी बार विधायक हैं, वही वहाँ के सिटिंग में मिल रहे हैं। जी तो विधायक जी ने ग्रामीणों से कोई वादा नहीं किया इस तरह का पुल बनवाने का या फिर ऐसा कोई वादा नहीं किया? जी ग्रामीण बता रहे हैं कि विधायक जी पिछले बार भी वादा किए थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया, फिर इस बार भी वादा किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जो है बोल रहे हैं कि हमारा सरकार नहीं है, हम कई बार जो चिट्ठी लिख चुके हैं, सदन में भी इसको आवाज उठाए हैं लेकिन नहीं पुल बन पाया है क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया केदार इस पूरी खबर के लिए। तो केदार का कहना है कि जो विधायक है सिटिंग विधायक अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने दो बार वादे किए लेकिन दोनों ही बार पुल नहीं बन पाया है और इसी वजह से ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का। और यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए माता प्रसाद पांडे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अपना मताधिकार का जो प्रयोग करने के बाद, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसके बाद की ये तस्वीरें। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार वोट डाल रहे हैं और कहा जाए कि छठे चरण में तमाम जो दिग्गज प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। क्या कहेंगे, आज आपने वोट डाला है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी दूर से चल के आए, इसलिए मैं अपने गांव में अपने पोलिंग बूथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात यह है कि मैं कोई नया नई चुनाव लड़ रहा हूं, मैं 74 से चुनाव लड़ रहा हूं और हमने कोशिश की है कि इस क्षेत्र के विकास की, और मैं समझता हूँ कोई गाँव नहीं बचा जहाँ मैंने सड़क न बनवा दी हो। लेकिन अब की बार, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को गुमराह किया, लंबे लंबे वादे किए और एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, रोजगार पाए हुए लोगों को बाहर किया। जो लोग हमारे क्षेत्र से या हमारे ज़िले से, जनपद से बाहर दूसरे प्रांतों में जाकर के काम करते थे, कोरोना काल में उनकी बड़ी दुर्गति करी और वहाँ से आने के बाद भी उनकी आमदनी कम हो गई। तो ये जो हम लोगों का चुनाव है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ़, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा लगातार अन्यायपूर्ण काम करने के विरोध में हम लोग मैदान में हैं। और महंगाई को ख़त्म करना और लोगों को रोज़गार देना तथा लोगों की सहूलियत के लिए जो भी सुविधाएं हो देना, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। एक चीज़ और, इसी बीच महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने से एक घंटे तक मतदान रुका, तो छठवें चरण के चुनाव से जुड़ी यह खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है, बूथ नंबर 203 पर ईवीएम खराब। और बड़ी बात यह है कि एक घंटे से मतदान रुका हुआ है, महाराजगंज से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और एक घंटे से मतदान रुका हुआ है और लोगों में आक्रोश देखने को मिला है ईवीएम खराब होने से, क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में लगकर मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं, ऐसे में एक घंटे से मतदान रुका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लोग आक्रोशित होंगे। बूथ नंबर 203 पर ईवीएम खराब हो गई है और इसके बाद से एक घंटे से मतदान रुका हुआ है, महाराजगंज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। इसी बीच एक और खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, महाराजगंज से एक और खबर, ईवीएम मैच न करने पर सपा ने शिकायत की है। विधानसभा सिसवा के बूथ नंबर 33 पर मैच नहीं कर रहा है ईवीएम नंबर, तो ये चुनावों से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ट्वीट कर इसकी शिकायत की है और ईवीएम मैच न करने पर समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। महाराजगंज से ये खबर, ईवीएम नंबर मशीन नंबर जो है वो मैच न करने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। विधानसभा सिसवा के बूथ नंबर 33 पर ईवीएम नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है। तो ईवीएम मैच न करने पर समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है, महाराजगंज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम मैच न करने पर समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। विधानसभा सिसवा के बूथ नंबर 33 पर ईवीएम मैच नहीं कर रहा है,
ये देखिए ट्वीट की तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा 317 के बूथ नंबर 33 पर ईवीएम मशीन नंबर मैच नहीं कर रही है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने की कृपा करें। ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है। तो सिसवा विधानसभा के बूथ नंबर 33 का ये पूरा मामला, जहां पर ईवीएम मशीन का जो नंबर है वो मैच नहीं हो रहा है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। महाराजगंज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराजगंज से ये खबर, ईवीएम मैच न करने पर समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। तो विधानसभा सिसवा के बूथ नंबर 33 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज से यह खबर, समाजवादी पार्टी ने मशीन ईवीएम मशीन नंबर मैच न करने की शिकायत की है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी आ रही है सामने, ये ईवीएम नंबर मैच नहीं हो रहा है, क्या मामला है पूरा? जी, आपको बता दें कि यह सिसवा विधानसभा का बूथ संख्या 33 है, जहां पे ईवीएम मैच नहीं कर रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज के जिला अधिकारी को ट्वीट कर जानकारी दी है कि यहां का ईवीएम मैच नहीं कर रहा, उसको तत्काल प्रभाव से चेंज किया जाए। हालांकि अभी मैं सदर विधानसभा की बात बता दूं कि सदर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सांसद महाराजगंज के वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, वो आपसे थोड़ी ही देर में मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन उनके ही बूथ का जो है ईवीएम अभी तक खराब है। जी जी, तो ये जो नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसको लेकर क्या मशीन बदली जाएगी या इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज के जिला अधिकारी अभी मौके पे पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम देख लिया जा रहा है, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, वहाँ पर ब्रजेश अभी मतदान रुका हुआ है, ये सिसवा का बूथ नंबर 33 जो है। जी, आपको बता दें कि अभी बूथ संख्या 33 का मतदान रुका हुआ है। जिला अधिकारी अब से थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराजगंज से ये खबर, आपको बता दें कि ईवीएम मशीन लगातार खराब है और इसके बाद ईवीएम मशीन का जो नंबर है वो भी मैच नहीं होने की वजह से समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है। तो छठवें चरण में लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो छठवें चरण का जो चुनाव है वो लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हैं, साथ ही रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रभात जी, ये ईवीएम मशीन नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी और इसकी शिकायत की गई है, सर किस तरह से देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं लापरवाही। देखिए साथियों जी, ये एक बहुत गलत चीज है जो लोकतंत्र में जिस तरीके से लोग अपना मत का प्रयोग करने सुबह आते हैं और जिस मूड से वो आते हैं चुनाव वोट डालने के लिए, अगर घंटे दो घंटे ईवीएम खराब हो जाती है तो ये निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है। आप जब पूरी एक कैंप लगता है आपका और सारे लोगों को ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उस ईवीएम को चेक क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ी कमी है और ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा, जैसे कहेंगे हम, काला अध्याय है, क्योंकि कई जगह ये शिकायत ईवीएम की आती है। जब तक आप ईवीएम ठीक करेंगे घंटे दो घंटे में, सर जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि ईवीएम मशीन तैयारियां पूरी हो गई है, तब वो उनका यही कहना होता है कि हाँ ईवीएम मशीन चेक कर ली गई है, लेकिन जब वास्तविकता में जो मतदान शुरू होता है उसके बाद से इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। सर निश्चित तौर पर देखिए सांसदों जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये हमारे इस लोकतंत्र में जिस तरीके से एक चुनाव का एक महापर्व है जिसे हम लोग कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, खुद प्रधानमंत्री इसका आह्वान करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस सेंटर में इस तरीके की शिकायत आती है वहां के निर्वाचन अधिकारी में कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं बराबर मिलती रहेंगी और मतदाता अपने वोट डालने से वंचित रहेगा। आखिर ये ईवीएम मैच क्यों नहीं की, क्या कोई फर्जी ईवीएम मशीन आ गई क्या? जब आप अलॉटमेंट करते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट को और तो आपको एक एक ईवीएम जो है देख के आप अलॉट करते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट को। सर वापस आ गया, ये देखिए, तो जब इस तरीके की जो स्थितियां हैं,
ठीक है प्रभात जी, वापस आएगी आपके पास, लेकिन आपको सुनाते हैं कि रवि किशन सांसद जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 70 साल में जो काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, 5 साल में हुआ, तो हम लोग अपने काम के विश्वास पे, सुरक्षा व्यवस्था पे, हम लोगों की छवि पर, हम लोग को जनता बहुमत की सरकार दे रही है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक वोटिंग पूरे पूर्वांचल में हो रही है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ कि नाम वाम सब व्यवस्था सब सारी ठीक है। ये पर्ची सेंटर है हमारा, हर जगह भीड़ है और सुबह से लाइन लगी है। वोटिंग परसेंटेज आप देखिएगा शाम तक एक ऐतिहासिक होगा। हम लोग और इस बार हम लोग 9 की 9 सीटें गोरखपुर मंडल की जीत रहे हैं, जो चिल्लू पार हम लोग कभी नहीं जीतते थे वो भी अब जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, समाजवादी पार्टी अब महाराज जी पे तंज कसते हुए गुल्लू और कुल्लू की बात करने लगे हैं, क्या उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं या क्या? देखिए, इन लोगों ने हमेशा ये राम विरोधी रहे हैं। ये लोगों ने भगवान राम को भी, उनके भी अस्तित्व पे प्रश्न उठाया है। ये लोगों ने कार सेको पे गोली चलाई है। ये लोगों ने गोजी डंडे से भगवाधारी को मारा। ये भगवा पे जंग लगना, गुल्लू और कुल्लू बोलना, चिलमवादी कहना, ये इन लोगों की मानसिकता है। 10 मार्च को इनको जनता जवाब दे देगी और सारी बातें, ये सब लोग विदेश चले जाएंगे। 11 मार्च को इनकी विदेश की टिकट है। ये सब लोग जा रहे हैं, कोई नेपाल चला जाएगा नेता, कोई विदेश चला जाएगा। जो सेवा करने वाले हैं पूज्य महाराज जी, एक सन्यासी आदमी, परिवारवाद नहीं, 25 करोड़ जनता जिनकी परिवार, वो लोग रहेंगे। ये देश अभी निस्वार्थ त्यागियों का देश है। राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य लाना है और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है। अच्छा, कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रोड शो के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री देवता स्वरूप अवतरित हुए हैं धरती पर। कल वो आएंगे रोड शो में, एक जनसमूह, एक सैलाब होगा। समस्त जनता देवतुल उत्तर प्रदेश की, काशी की, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बनने के बाद और उनके प्रति जो उत्साह, राम मंदिर बनने के बाद या एम्स बनने के बाद या हर जगह फर्टिलाइजर या हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस या 80 करोड़ की जनता को जो मुफ्त अनाज दे रहा है, वो उसका ऋण चुकाने, उसका आभार प्रकट करने, कल पूरा एक जन सैलाब आएगा काशी में। हर हर महादेव, मैं भी वहीं रहूंगा क्योंकि अब मेरी ड्यूटी वहां लग जाएगी। आज यहां से खत्म होके कल हम आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर, काशी, मेरा फिर प्रचार वहां होगा, मैं स्टार प्रचारक के रूप। और इसी बीच आपको बता दें कि 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। आपको बता दें 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, इसके आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। बलिया की बात की जाए तो 7.57% 9 बजे तक मतदान संपन्न हुआ है, ये बलिया का आंकड़ा है। गोरखपुर में 8.96%, यानी कि लगभग 9% का मतदान संपन्न हुआ है। और कुशीनगर में 9.64% मतदान संपन्न हुआ है। 9 बजे तक के आंकड़े आपके सामने। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी, रणविजय सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा की आज चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से छठवें चरण का मतदान लगातार चालू है
और सुबह सात बजे से ये मतदान शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक चलेगा। लेकिन ईवीएम की खराब होने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं और छठवें चरण के मतदान को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 9 बजे का जो आंकड़ा है वो भी हमने आपको दिखाया। रणविजय सर आपके पास वापस आते हैं। गोरखपुर का आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछले जब से छठवें चरण का जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हुआ है, छठवें चरण के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार कम और ऐसा लग रहा था कि शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे रणविजय सर? जो 2017 में जब उनके नाम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था जी, तो उस समय अकेले बीजेपी ने 46 सीटें जीते थी। तो आज जब ये चेहरा है, 5 साल तक प्रदेश के बागडोर संभाले हैं, तो इनके लिए तो जीने मरने का सवाल है ही है। अगर मुख्यमंत्री जो है अपना पिछला रिकॉर्ड 2017 के रिकॉर्ड को जिंदा नहीं रख पाते हैं, उससे जितना भी फिसलेंगे उतना ही उनके नेतृत्व पर उनके वहां के पूर्वांचल के प्रभाव का पर सवाल उठेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि बीजेपी ने 2017 में किया तो पूरा हिंदुत्व का लहर, इस बार वैसा नहीं है। इस बार जातीय समीकरणों का जोर है। सरकार जो जो जिसके मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं जी, उनके खिलाफ प्रचंड इनकम्बेंसी भी है। जनता को जो भी वायदे किए गए थे विकास के, जो भी जनता को को, को अवसर देने के वायदे किए गए थे, उसमें से कुछ हुआ नहीं। कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी कि जिससे लोगों को रोजगार मिले। कोरोना में जिस तरह से लोगों को जो बंबई दिल्ली पंजाब में काम करते थे वो लोग जिस तरह से आए कोरोना काल में, उनकी जो दुर्गति हुई और यहाँ आने के बाद जब उनको उनको काम नहीं मिला और उनकी आय घट गई, तो जो सर इसके बदले में जो तमाम बीजेपी नेता है वो तो ये कहते हैं कि जो पहले से ही जो इंडस्ट्री थी वो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बंद हो गई है, तो नई इंडस्ट्री कैसे शुरुआत उनकी की जाएगी सर? और अब लगातार वादे हो रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा। रणविजय जी, इंडस्ट्री कोरोना काल तो 2 साल से जी, आपने अपना 3 साल गंवाया, तो 3 साल में आपने उस दिशा में क्या किया जी? रोजगार के फ्रंट पर क्या किया? महंगाई का फ्रंट है उस पर क्या किया? छुट्टा जानवरों का जो आतंक है उसका, तो उनके लिए तो ये जीने मरने का सवाल है ही है कि अगर सीटें घटती हैं तो योगी जी के जी नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है और उठाएंगे पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके उनके नेतृत्व को लेकर जगदीय जमान लोग सवाल उठाने लग गए। ठीक है रणविजय सर, माफी के साथ आपको रोना चाहेंगे। संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। गांव में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था, अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया। बिना भेदभाव के मकान हैं, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसे हैं, ये सारे कुछ हैं। धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया, तो भारतीय संस्कृत राष्ट्रवाद धर्मवाद और इनके विकासवाद के नाम पर ही वोट पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है, आपके दावे अलग हैं, समाजवादी पार्टी अपनी अलग दावे कर रहे हैं, किसके दावे को हम? वो तो 2014 से ही दावे कर रहे हैं। 2014 में बड़ा दावा था, 2017 में बहुत बड़ा दावा था, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर मैं मोदी जी साथ खड़ा हो गया, फिर दावा फेल हो गया, फिर 2022 में आप देखिए हम अपना दल साथ पार्टी है, बहुत वोट है, जनता सब मोदी जी साथ है, वोट पड़ेगा, सब इनके दावे ऐसे फिक्स होते रहे। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी दावा करते हैं कि निषादों के हम सन्नप मल्हा हैं,
इधर निषाद पार्टी जो है, आप कहते हैं कि निषाद हमारे वोट बैंक है, किसके दावे? जैसे हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ निषाद राज का किला है, राम भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को पर्यटक स्थल घोषित किया है, उस पर हजारों करोड़ रुपये दिया, निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लगा रही है, मत्स्य मंत्रालय अलग किया है, और डॉक्टर संजय अपने समुदाय का वकालत करते हैं मोदी जी योगी के पास, हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्षों के नेता हैं, हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास क्राउड की बात नहीं है, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं, और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है या अत्याचार होता है निषादों पर, तो निषाद पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, और बिहार में रहने वाले अगर कोई आवाज उठाए। तो संजय निषाद जी, आप रणविजय सर, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही उसका थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन संजय निषाद जी जवाब देते हुए, रणविजय सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जी कि जो भाजपा ने इस चुनाव में नरेशन लाभार्थी का गढ़ा है जी, ठीक है, उसका उसको कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ये कि ऋण ऋण चुकाएंगे, अभी उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ऋण का ऋण चुकाएंगे मतदाता वोट दे करके, तो क्या इससे पहले जो है देश में फ्लेक्सिबल योजनाएं नहीं चलती थी क्या, लाभ उस समय नहीं था? ये बात जरूर सच है कि उस समय की सरकारों ने इसको भुनाया नहीं, इसका प्रचारित नहीं किया, बीजेपी ने बड़े ही चालाकी के साथ इसको किया है। लेकिन सवाल मैं आपके ही चैनल पर पहले भी बोला था, आज भी ये बात बोल रहा हूं कि क्या ये सरकार ने अपने घर से पैसा तो दिया नहीं है, ये तो हमारे आपके टैक्स का पैसे से आपने उनको दिया है, लेकिन उससे ज्यादा उनके रोजगार के अवसर खत्म कर लिए, मनरेगा में जो लोग लौट के आए उनको जो 100 दिन का रोजगार था वो भी आपने घटा दिया जी, और इतना ही नहीं जी, दूसरे आप सोचिए कि जो लोगों की उपेक्षा हुई है जी, लोगों की जो एस्पिरेशन मरा है, लोगों की जो जो महंगाई के नाते रोज जो उनको कसम्मत करना पड़ता है, ये चीजें इनके अभी तक के जितने अधिकारी थे, चाहे वो हिंदुत्व के थे, चाहे वो गुरका के थे, चाहे कब्रिस्तान के शमशान के थे, वो उतने कारगर ढंग से चले नहीं, क्योंकि उन पर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे सवाल जो है जगह जगह के वो प्रभावी हो गए। इतना ही नहीं, कमेंट सर प्रभात सर का ले लेते हैं। प्रभात सर, जिस तरह से रणविजय सर ने कहा कि क्योंकि टैक्स का पैसा है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई अपना पैसा नहीं लगाता, ये निश्चित तौर पर जनता का ही पैसा है, और अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, रोजगार देने में असफल रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि हमने लोन के जरिए लोगों को रोजगार दिए हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको लोन देने का काम किया जिसके जरिए उन्हें रोजगार मिला है। सर, इस पर आपका एक कॉमेंट चाहूंगा सर। प्रभात सर, देखिए रणवीर जी ने बिल्कुल सही बात की कि जो भी टैक्स का पैसा होता है ये लूट करते हैं और ये भ्रष्टाचार करते हैं, जो देश एक हमारे आर्थिक उसमें जो कहते हैं कि हम एक अर्थतंत्र के बहुत मजबूत देश विकास की भारत बनने जा रहे हैं, जब तक जनप्रतिनिधि के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम सेवा करने की भावना से लोगों के बीच जाते हैं, सेवा भावना जागनी चाहिए। और जहां तक योगी सरकार की बात है, उन्होंने एक एमएसएमई सेक्टर की बात की कि एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने बहुत लोगों को लोन दिया है और बहुत लोगों को रोजगार दिया है, अगर रोजगार दिया होता तो लोग आज इस तरीके से परेशानी हालत में नहीं होते, क्योंकि जो इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की है, चाहे वो अलीगढ़ का ताला हो, चाहे वो कालीन उद्योग हो, ये सब बुनकर लोग परेशानी स्थिति में है, अगर ये लोग इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही होती, अगर इनको लोन मिल गया होता तो इनके उद्योग धंधे चल रहे होते, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, लोग परेशान है, लोग इस दावा आप कुछ भी कीजिए कि हम $1 trillion का एक इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, कहां चली गई $1 trillion की इकोनॉमी की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर पे जो पैसा दिया गया है, ये लूट का एक बहुत बड़ा एक, जब सरकार नहीं रहेगी तो जब जांच होगी तो इसमें
बहुत बड़े इसमें खुलासे होंगे। लेकिन प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि बेरोजगारी दर 17% थी, उसको हमने कम करके 4% पर ला दिया है सर, ये दावे कर रही है बीजेपी। निश्चित रूप से कि शंकर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमने पिछला घोषणा पत्र 92% पूरा कर दिया, अगर 92% घोषणा पत्र पूरा हो गया है तो प्रदेश में रामराज आना चाहिए, हर एक के चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, जो परेशान है आदमी, जो कोविड काल में हजारों किलोमीटर से चल के पैदल आया और उसके पैरों में छाले पड़ गए, आज वो ईवीएम जब जा रहा है तो उसको वो पुरानी बातें याद आ रही है, मजदूरों को रोजगार मिल नहीं रहा है, मजदूरी लोगों के पास है नहीं, लोगों का जेबों में पैसा नहीं है, तो जो हमारे टैक्स का पैसा है जिससे कि पुल निर्माण होने चाहिए, बड़े बड़े जो है ब्रिजेस बनने चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं, ये चोरी करके ये विधायक जनप्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रधान से लेके आप सांसद तक आ जाइए, एक एक फॉर्चुनर इनके पास कहां से आती है, फॉर्चुनर गाड़ी आपको एक ग्राम प्रधान के पास मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से योजनाओं के नाम पे पैसा खाते हैं, अभी आपने देखा कि कई जगह सड़कें नहीं है, कई जगह लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, ये सिर्फ जनप्रतिनिधि की लापरवाही की वजह से कि वो पिपरा घाट का एक पुल नहीं बना पाए, जो कई सालों से पिपरा घाट के पुल की समस्या थी, आज वो वही समस्या अभी भी है, तो हम कैसे मान के चले कि प्रदेश में रामराज आ रहा है। अभी रवि किशन बात कर रहे थे कि 300 सीटें हम जीतेंगे और हम रामराज लाएंगे और कल बनारस जाएंगे, वहां रोड शो भारी होगा, आप रोड शो कर लीजिए, आप भारी भीड़ जुटा दीजिए, लेकिन जब तक अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी, तब तक हम कैसे माने कि रामराज प्रदेश के अंदर आ गया है। सभी लोग दावे करते हैं, लंबे लंबे दावे करते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और वायदे एक भी पूरे नहीं करते हैं। अगर ये 40% भी काम कर ले तो निश्चित तौर पे प्रदेश का एक बड़ा विकास हो, और ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये एक विकास की निरंतर प्रक्रिया है। आपने और भी काम क्या किए, आपने महंगाई कम नहीं की, आपने लोगों के जेबों में पैसे लाने की व्यवस्था नहीं की, आपने छात्रों को रोजगार नहीं दिया, आपने आप कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, छात्र नौकरी मांग रहे हैं, शिक्षक अपनी भर्ती की बात कर रहे हैं, आप उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपने दूर करने का प्रयास नहीं किया है। और जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है, जब वोट पड़ता है, उसके पहले जब घरों घरों में जाते हैं तो वोट मांगते हैं और कहते हैं भैया मुझे जिता दो, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सड़क बनवा देंगे, हम पुल बनवा देंगे, लेकिन काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तभी आज ये कारण है कि सरकारों की जो एंटी कंबेंसी होती है वो सामने दिखाई देती है, और मतदाता जब ईवीएम में जाता है तो वो सोचता है कि हम स्थानीय मुद्दों पे वोट दें, उसको राष्ट्रवाद, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसको पेट में उसकी भूख चाहिए, छत चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं जो दावे करते हैं जनप्रतिनिधि, ये बिल्कुल खोखले हैं। अगर ये इन्होंने काम किया होता तो आज पिपरा घाट का पुल बन गया होता, आज वहां विकास कार्य दिखाई देते। जी बिल्कुल। तो प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि आप आपको जाना है कहीं, तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। तो लगातार कहीं ना कहीं प्रभात जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वादे करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। 40% भी अगर वादे पूरे किए होते तो जनता से दोबारा इस तरह से तेल मालिश करने की, नाक रगड़ने की और उठक बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रभात जी का कहना है। तो लगातार छठवें चरण का मतदान जो है वो जारी है लेकिन चर्चा लगातार चलती रहेगी और के न्यूज पर ये महाकवरेज छठवें चरण के मतदान की लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या मथुरा काशी की होगी तो बात बेरोजगारी भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कि जिस तरह से छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें कि दिग्गज कौन कौन से इस छठवें चरण में मैदान में है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये दिग्गज यूपी का जो छठा रण है, अम्बेडकर नगर की टांडा सीट की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कपिल देव ये चुनावी मैदान में है और वहीं पर समाजवादी पार्टी से राममूर्ति वर्मा मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से शबाना खातून मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी से सैयद मिराजुद्दीन मैदान में है। तो ये कुछ हॉट सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़े नाम। अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट की बात करें तो ये, और इसी बीच आपको बता दें कि कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस बीच मतदान नहीं हो पाया है। जी हां, कुशीनगर से यह खबर, पिपराघाट से मतदान शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि मतदान का बहिष्कार यहां पर किया गया था। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं।
और बुनियादी सुविधाओं और पुल की मांग को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था और उसी की वजह से अधिकारी पहुंचे हुए बूथ संख्या 320, 321 और 323 पर। यह पूरा मामला डीएम को मौके पर बुलाने पर लोग अड़े हुए हैं, यानी कि डीएम को मौके पर बुलाया जाए। एसडीएम मौके पर मौजूद है, लेकिन जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अभी भी मतदान के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो एसडीएम पर जबरदस्ती मतदान के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पिपरा घाट में मतदान शुरू नहीं हो पाया है। कुशीनगर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुल की मांग को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो तमाम ग्रामीण हैं, उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम आला अधिकारी, लेकिन अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तो ये देखिए, बुनियादी सुविधाओं और पुल की मांग कर रहे हैं तमाम लोग, मतदान का बहिष्कार कर दिया। एसडीएम मौके पर मौजूद है और एसडीएम पर आरोप ये लग रहे हैं कि एसडीएम जो है वो दबाव बनाकर मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है और डीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं लोग। कुशीनगर से यह खबर हम आपको बता दें, जहां पर लोगों ने पिपरा घाट में मतदान का बहिष्कार किया था और मतदान का बहिष्कार करने के बाद अभी भी मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तो पिपरा घाट में मतदान शुरू नहीं हो पाया है, ये खबर हम आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। तो कुशीनगर में मतदान शुरू नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं और पुल की मांग को लेकर लगातार ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बूथ संख्या 320, 321 और 323 पर यह हंगामा वोटरों को देखने को मिला है। उसी बीच हमारे इस खबर पर हमारे संवाददाता केदार यादव जुड़ गए हैं। केदार, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, आपको बता दें कि जो संतोही राज के पिपरा घाट में जो मतदाता जो है विरोध कर रहे थे कि मतदान नहीं करेंगे, हमारा जब पुल नहीं बनेगा तो मतदान नहीं करेंगे, इसको लेकर के आला अधिकारी, जिले के सभी आला अधिकारी जाकर के बहुत मान मनोबल से फिर आश्वस्त भी किए हैं कि हम चाहे कोई भी होगा, विधायक कोई भी होगा, सरकार कोई भी होगी, जिला प्रशासन जो है इससे विशेष रूप से निगरानी करके पुल बनवाने का काम करेगा। इसको लेकर जिलाधिकारी आश्वासन दिए हैं, तब जाके विरोध खत्म हुआ है, अभी मतदान शुरू होने जा रहा है। जी जी, तो कहीं ना कहीं आप कहा जाए कि जिला प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है केदार। जी, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी स्वयं जा करके और आश्वस्त किए हैं जनता को कि हम इसके लिए शासन को लिखेंगे, लेकर के जिला प्रशासन खुद जिम्मेदारी लिया है कि हम पुल बनवाने का काम करेंगे। सहमति बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन मतदान क्या शुरू हो पाया है अभी तक? अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब शुरू होने जा रहा है। गाँव में जो है इसकी जो है सूचना दिया जा रहा है और जिला प्रशासन भी घूम घूम कर कहने जा रहा है कि हम लोग तैयार हैं, आप लोग मतदान करिए। जी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन मनाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है और डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे तमाम ग्रामीण। तो डीएम को बुलाया गया है क्या मौके पर? जी, जिलाधिकारी स्वयं गए हैं वहाँ पे और ग्रामीणों से बात की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया केदार इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट कुशीनगर के इस खबर में हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है कि वो पर्सनली देखेगा ये जो मामला है पूरा, और उसके बाद मतदान शुरू कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से बलरामपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बलरामपुर से ये खबर हम आपको बता दें, बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। परसा पलईडीह में मतदान बाधित हुआ है, लगातार खबरें एक के बाद एक मतदान के बाधित होने की। गैसड़ी के बूथ संख्या 109 का ये पूरा मामला है और गैसड़ी विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बलरामपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, गैसड़ी विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। परसा पलईडीह में मतदान बाधित हुआ है और बूथ संख्या 109 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, छठवें चरण में भी
ये सिलसिला लगातार जारी है। तो छठवें चरण का मतदान आज चल रहा है और इसी बीच अलग अलग जगहों से लगातार खबरें आ रही हैं ईवीएम खराब होने की, और अब खबर बलरामपुर से आ रही है गैसड़ी के बूथ संख्या 109 पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से नीरज शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईवीएम को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जनपद के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की समस्या आई है। परसा पलईक भी में मतदान बाधित है। गैसड़ी के बूथ संख्या 109 का मामला बताया जा रहा है। नीरज, कितनी देर हो गई है ये मतदान जो अभी तक बाधित हुआ है? कितनी देर से मशीन खराब है? लगभग आधे घंटे से मतदान बाधित है, जिसको लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी वहाँ पहुँचे हैं और लगातार उस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है कि मतदान जल्दी से जल्दी चालू हो। तो अभी तक मतदान शुरू हो पाया है या नहीं? ईवीएम मशीन बदली जाएगी या ठीक की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? ईवीएम मशीन सेक्टर मजिस्ट्रेट जो तैनात किए गए हैं उनके पास एक्स्ट्रा जो ईवीएम मशीन है वो रखी थी, वो लेकर मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और मतदान जो है वो अभी तक बाधित है, कुछ ही देर में मतदान शुरू कराया जाएगा। तो ये खबर बलरामपुर से। तो छठवें चरण का मतदान लगातार जारी है और के न्यूज पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यस यस यस, इन योर फेस लूजर। सी इन सॉकर। जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247, एनीवेयर एनी टाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छठवें चरण का मतदान लगातार चल रहा है और अलग अलग जगहों से ये आप ग्राउंड जीरो से क्या हालचाल है वो भी हमने आपको दिखाया, अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया, तो तमाम जो दिग्गज है वो भी मतदान कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसे ही तस्वीरें आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रणविजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार जुड़े हुए हैं। रणविजय सर, वापस आपके पास आते हैं। जिस तरह से बयानबाजी सर हो रही है, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का बयान कि हम गर्मी निकाल देंगे 10 मार्च के बाद, तो वहीं पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आप गर्मी निकालेंगे तो हम भर्ती निकालेंगे। इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से 5 चरणों के चुनाव हुए हैं जी, और चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के एक से एक के बाद एक जो उनके अपने मुद्दे थे जिस पर वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो गया जी। वो उतना चला नहीं, कहीं किसान का विरोध चल गया, कहीं पर लोगों की मूलभूत समस्याओं का सवाल हावी हो गया, रोजगार महंगाई का सवाल हावी हो गया। ये सरकार जो है वो जब समझ नहीं पाई तो ये बौखलाहट है कि एक मुख्यमंत्री बोले मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा।
किस पर बुलडोजर चलेगा, किस पर चले वो करेगा, ये मर्यादा के खिलाफ है, ये राजनीति में। नहीं सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो तमाम माफिया है जो जनता का पैसा लूटते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। नहीं ठीक है, तो क्या मुख्तार अंसारी या तीक के अलावा वो नहीं है, उसका क्या नाम है, माफिया जी ब्रजेश, या तो भाई और जो जो लोग हैं उनको उनका भी मुख्यमंत्री को अपने चुनाव में बोलना चाहिए कि अगर मुझसे छूट गया है तो अगली बार मैं आऊंगा तो इन लोगों का भी करूंगा जी। लेकिन ये बात से वो बड़े साफ गोई से बच के निकल जाते हैं और एक मतलब इस तरह की बात करते हैं जो जो लगता है कि देश में प्रदेश में कहीं पर अपराधी रही नहीं गए। ठीक है सर, तो निश्चित तौर पर ये तमाम कहा जाए कि जो आला अधिकारी है उनको माफिया है उन पर बुलडोजर सभी पर बराबर चलना चाहिए। लेकिन सर अब पूर्वांचल की बात करते हैं, सातवें चरण का जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है और एक तरफ देखा जाए सर भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्वांचल की कमान है पीएम मोदी के हाथों सौंप दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए पीएम मोदी के पिछली रैली में सोशल मीडिया पर बहुत आया था कि उनकी रैली से के बीच से ही लोग कुर्सियां खाली करके चले गए जी। वहां के आयोजकों में से एक ने बोला कि अरे बहुत देर से लोग बैठे हुए थे और उनको उनको भूख लग गई या कुछ और जरूरतों के नाते चले गए, फिर आ जाएंगे जी। तो प्रधानमंत्री बहुत विदुषी हैं और उनकी लोकप्रियता और के बारे में तो कहीं से किसी को न शक है जी। लाइव देन लार्जर उनका व्यक्तित्व तो है जी। लेकिन तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य में पूर्वांचल का जो उनका जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है क्या उसको हासिल करने में कामयाब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर? प्रधानमंत्री को कल रोड शो करना पड़ रहा है, ये आप समझ लीजिए जी। प्रधानमंत्री के पास इतना बड़ा तंत्र है कि उनको मानस का पता लग जाता जी। उनके पास बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट देती, उनको बनारस में बनारस मंडल की सीटों को भी बचाना उनके लिए है, नहीं तो उन पर जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ जी पर यह सवाल उठेगा कि भाई उनके मंडल की सीटों में में, में, में 10 के बाद जो परिणाम आ रहे हैं घट गया, स्वयं प्रधानमंत्री जी के इसी तरह से क्षेत्र में यदि सीटें घट जाती हैं विपक्ष के पास चली जाती हैं तो ये उन लोगों पर सवाल है, उनकी लोकप्रियता पर सवाल है जी। सर, उनके वो सारे जी सर माफी चाहूंगा वो सारे प्रयोग जो प्रधानमंत्री जुमला बोल रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग है, आपको हमने हमने अनाज दिया, आपको हमने घर दिया, आपको हमने शौचालय दिया, आपको हमने किसान सम्मान निधि दी जी। तो ये जो बात है वो उसके समानांतर जो जो मूलभूत जन सवाल है और उससे भी ज्यादा जो जातीय गोलबंदी का ये एरिया है, ये पूर्वांचल जो है जातीय गोलबंदी का है। लेकिन सर और कहीं ना कहीं सच्चाई तो ये भी है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल आया उसके बाद से तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर वर्ग था उनका जो धंधा था वो बंद हो गया और उसके बाद से राशन जो है वो कहीं ना कहीं देना, और पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और जब ये आंकड़ा पूरी दुनिया सुनती है तो हैरान रह जाती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे दिया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपनी पीठ थपथपाती है और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि राशन लोगों को मिल रहा है और कहा जाए कि जो किसानों को जो राशि है वो भी मिल रही है सर, तो इसमें अगर पीठ थपथपाते हैं तो सर इसमें क्या गलत है? नहीं नहीं जी, मैं इसको गलत तो बोला नहीं जी, मेरा तो कहना यह है कि आप इसको थोड़ा उलट होकर सोचिए कि इस देश के में
लोगों की आमदनी इतनी घट गई है जी, लोगों के अगर ये 5 करोड़ 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की योजनाओं से अगर राशन ना मिले तो भुखमरी हो जाएगी जी, मर जाएंगे भूखे। आप इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार है इन 80 करोड़ लोगों को इस तरह का प्रबंध नहीं कर पाई है कि वो अपना कमा करके अपना पेट भर सके और सरकार को यह अनाज ना देना पड़े। इसका तो एक अर्थ ये भी होता है जी, क्या आप इनको जीवन भर इसी तरह से देते रहेंगे और इनके आर्थिक स्तर को नहीं उठाएंगे? लेकिन सर आज इनका, लेकिन जब ये शुरुआत चुनाव में जब ये शुरुआत की गई तो उस वक्त चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के वक्त ये शुरुआत की गई और उसके बाद धीरे धीरे जैसा कि आप सब आप भी जानते हैं चुनाव का वक्त आ गया, इस राज्य में चुनाव दूसरे राज्य में चुनाव, तो वो चुनाव के वजह से भी कहीं ना कहीं उसका लाभ पाने के लिए कहा जाए कि उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया सर। नहीं वो तो चुनाव, ये सरकार तो 24 आवर्स चुनाव मोड में रहती है जी, वो तो आप छोड़ दीजिए, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि भाई देश में आपदा के बाद हमारा जीवन स्तर, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री के ये रहमो करम पर जैसा वो बोल रहे हैं कि ऋण अदा करिए जी, क्या इससे पहले फ्लेक्सी योजनाएं नहीं चलती थी? क्या मनरेगा नहीं चला था जी? क्या तो भाई ये तो दूसरे सरकारों ने चलाया था, क्या स्वर्गीय राजीव गांधी ने वो पीसीओ नहीं शुरू करके लोगों को रोजगार दिया था जी? क्या अवसर तो उपलब्ध कराए थे? तो सरकार का काम होता है अगर हम आपत्ति काल में परेशान हैं मदद कीजिए, लेकिन वो आप जो आदमी संकट में है उसको उबार कर स्वावलंबन की तरफ ले जाइए। ये सरकार स्वावलंबन की तरफ लोगों को सेल्फ प्राइड मार रही है। सेल्फ प्राइड तो वो आदमी अपने से कमाए और अब उसका खाए इसमें है ना जी? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है सर कि सरकार को मदद करनी चाहिए लेकिन इस तरह से करनी चाहिए कि लोग अपने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मदद स्वयं कर सके, इस तरह से सरकार को मदद करनी चाहिए सर। ये अवसर आप नहीं देंगे, ये इस तरह के उनके पास नहीं होगा कि वो श्रम करके या वो कोई रोजगार पा करके इतना पैसा पा सके कि वो अपना घर चला सके जी। तो सरकार ने कुछ काम नहीं किया भाई, इसका एक अर्थ ये भी होता जी। रणवीर जी सर, एक कल हमने कल सर आपने भी एक तस्वीर देखी होगी, मैंने भी तस्वीर देखी सर, काशी में चूंकि लगातार चुनाव प्रचार जारी है और काशी में अखिलेश यादव के समर्थन में आप चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी आई हुई थी पश्चिम बंगाल से, और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर देव दर्शन किए, आपने देखा होगा, और उसके बाद उनका विरोध जो है वो काशी में देखने को मिला, लोगों ने काले झंडे लगाए और जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम का नारा आप, इससे ममता बनर्जी जो है चिढ़ती क्यों है? क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव थे उसमें भी देखा था ममता बनर्जी जो है वो जय श्री राम के नारे से कहीं ना कहीं चिढ़ती ही नजर आ रही, तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए भगवान राम तो आराध्य हैं जी, जन जन के कण कण में भगवान राम हैं जी। ये कितना भी कोई नास्तिक हो जी वो ये नहीं कह सकता कि राम नहीं है और राम को नहीं मानता। वो भाषण कर सकता है, वो नास्तिक हो सकता है, लेकिन जरा भी बदन में दर्द होती तो हाय राम करता है। तो ये नहीं है, ये देखिए ये राजनीति है। जैसे बीजेपी श्री राम का प्रचार करती है कि वोट पाने के लिए, वैसे उनके भी अपने राजनीतिक मजबूरियां। ठीक है सर, रणवीर जी सर वापस आएंगे सर, आपके माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे सर। एक अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है बलरामपुर से, आपको बता दें कि बलरामपुर में जो ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुका हुआ था, मतदान जारी हो गया है बलरामपुर के। और इस खबर पर बात करेंगे लेकिन राधा मोहन दास अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो गोरखपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राधा मोहन दास अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं।
तो लगातार जिस तरह से तमाम दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, राधा मोहन दास गोरखपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा, लगातार जिस तरह से छठवें चरण का मतदान हो रहा है, राधा मोहन दास ने भी मतदान किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे, मतदान किया, मतदान के बाद की तस्वीरें देखिए, परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे राधा मोहन दास और उन्होंने मतदान किया है। ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? अब देखिए, छठवां सातवां तो एक औपचारिकता है, निर्णय तो हो चुका है और सरकार तो हमारी बन चुकी है। 300 पार कहना भी अब बेमानी है, हम उससे बहुत आगे जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे अधिक बहुमत की सरकार अब बनेगी और अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी जी। सर, जैसे आपके सीट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारे कयास लगाने लग गए लोग कि आप अलग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या कुछ रहा उसके बारे में थोड़ी जानकारी? देखिए, लोग तो नासमझ होते हैं ना, लोगों को हमारे और योगी आदित्यनाथ के संबंधों के बारे में और हमारे संगठन के प्रति हमारे समर्पण के बारे में और अनुशासन के बारे में पता नहीं था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा ने 4 बार हमें चुनाव लड़ाया है और हमारी सीट काट के किसी को नहीं दिया है, हमसे एक बड़े व्यक्तित्व को दिया है, हमारा मुख्यमंत्री है वो। तो भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई निर्णय लेती है और कोई योजना बनाती है तो उसके पीछे अपने एक निहितार्थ होते हैं। पार्टी का ये मानना था कि योगी जी अगर गोरखपुर से लड़ेंगे तो पूर्वांचल की सीटों पर, गोरखपुर शहर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटों पर, देवरिया, महाराजगंज, इन सारी सीटों पर पार्टी को बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस पार्टी ने मुझे 20 साल तक विधायक बनाया है, वो पार्टी अगर आज मुझे कहेगी कि अब आप थोड़ा आराम करिए और हमें मुख्यमंत्री को यहाँ से भेजना है और मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने की बात 20 साल करता रहा हूँ, तो मुझे खुले दिल से और उल्लास के साथ इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए जब पहली 15 तारीख को ही ये बात आई तो मैंने उसी समय बयान दे दिया था कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूँ। जी सर, जब ये बात हो रही थी तो क्या आपसे इस पे आपका पक्ष जानना चाहे थे पार्टी के लोग? देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा की आंतरिक बातों को भाजपा के बीच में कहते हैं। अच्छी बातों को भी बाहर कहना और बुरी बातों को भी बाहर कहना दोनों अनुशासनहीनता है। हमारी पार्टी से, हमारी योगी से, हमारे प्रिय कार्यकर्ताओं से हमारी क्या बातचीत हुई वो मैंने पार्टी के मंच पर कहा है, उसको आपके बीच में कहने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस करता। सर, बस इतना अब जनता ये जानना चाहती है कि इसके आगे आपकी क्या, मतलब क्या इच्छाएं हैं, क्या आप पार्टी में किसी दायित्व को स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे आगे? मतलब देखिए, मैं तो हमेशा एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा। 20 साल तक थोड़ी मेरी डॉक्टरी का काम कमज़ोर हो गया था, अब मैं नागरिकों की एक चिकित्सक के रूप में सेवा करूँगा और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के हित में जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो दायित्व देगी, जो आदेश देगी, उसका अनुपालन करूँगा। लेकिन मुझे संतोष के साथ अब योगी जी यहाँ के विधायक बनने वाले हैं, उनके साथ चल करके अपने नागरिकों की सेवा करना है। तो डॉक्टर राधा मोहन दास को आप सुन रहे थे जिन्होंने गोरखपुर से गोरखपुर में मतदान किया और मतदान के बाद क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार छठवें चरण का मतदान चल रहा है, आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर की सदर सीट से मतदान किया और उसी गोरखपुर सदर सीट का जायजा लिया हमारी संवाददाता यशी शुक्ला ने। तो क्या कुछ बात हुई और क्या वहां का माहौल था, ये आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद एक कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है जिसमें इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाली कुछ दवाइयां जो है वो भी पहले से रखी है। वॉचेस का को यहां पर रखा गया है, यदि किसी को पानी पीना है तो भी यहां से वो ले सकता है, अवेलेबल है। यहां पर दवाई की किट जो है प्रॉपर फूड वो भी रखी गई है, साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी दवाइयां हैं वो भी यहां पर रखी गई हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर थर्मोमीटर भी रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर चर्चा के बिना इस चरण में चर्चा हो रही है। इस बार आइए, आप इस पर आइए भैया। हाँ चलिए, आपको मन हो गई है और मतदाताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए इस तरीके के सेल्फी पॉइंट जो है वो जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और यहाँ की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों से भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर मतदान देने के लिए क्या वोट देने आएंगे, क्या नाम है, क्या क्या मुद्दे हैं जो इस बार आप वोट क्या ध्यान में रखकर वोट कर रही है। कमल में तो देंगे, उमेश जी किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करने आए, आपको वोट है, वोट है यहाँ देखना। अभी लिस्ट पे आपने चेक नहीं किया, वैसे आप मतलब पहली बार वोट कर रहे होंगे तो क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, बाबा जीत जाए इससे वोट करने जा रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मतदाताओं में काफी उत्साह है। जैसे कि आपने यहाँ पर सुना कि उन्होंने कहा कि बाबा को वोट दे दूँ ताकि बाबा जीत जाए। अभी कई सारे लोग हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर आप वोट देने आए तो किसको वोट देंगे, बाबा जी को। ठीक है ठीक है, नाम किन मुद्दों पर इस बार वोट देने आए, विकास के और हिंदुत्व के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा का मुद्दा। हाँ वो भी है। कैसा लग रहा है ये पोलिंग बूथ आपको, इतना डेकोरेट किया गया है, सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। वैसे तो कभी ऐसा नहीं था, इस बार बहुत सुंदर लग रहा है, लग नहीं रहा कि वोट देने आए, लग रहा किसी शादी ब्याह में आए, फंक्शन में आए। हाँ तो लोकतंत्र का महापर्व है, मनाना चाहिए। वोट इस बार न जात के नाम पे न धर्म के नाम पे, केवल सुशासन और विकास के नाम पे जी। इस देश की सौभाग्य है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये गोरखपुर का सौभाग्य है। ये 98 से आज तक सांसद देते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल देखने के बाद फिर विधायक के रूप में देखेंगे, ये गोरखपुर का सौभाग्य। गोरखपुर की कायाकल्प कर लिए हैं उन्होंने, देखते होंगे पूरे प्रदेश में, कहीं भी जाए किसी भी संसद में आप जाए तो बस इस समय देश का सौभाग्य कहिए, देश का ये समय कहिए ऐसा, ऐसी विकट परिस्थिति में ऐसा दो जोड़ी बनी, एक मोदी और एक योगी, जो सुशासन और विकास, सबका साथ सबका विकास जो इन लोगों का नारा है,
वो चरितार्थ होते दिख रहा है। आप देखते होंगे किसी भी नौकरियों में या किसी भी नियुक्तियों में जितनी पारदर्शिता और शुचिता इस समय दिखाई जा रही है, जितनी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां संपादित की जा रही है, ये कभी किसी भी सरकार में नहीं होती। तो ये देश का सौभाग्य है जैसे ईमानदार सुशासन मिला है, और ये सुशासन केवल 27 तक नहीं, 27 के बाद भी बना रहे। योगी और मोदी की जोड़ी कुछ सदियों मतलब दशकों तक बनी रहे, ये देश से ईश्वर से प्रार्थना। चलिए ठीक है, योगी और मोदी की जोड़ी बनी रही है ऐसा इनका कहना है, ये मतदाता हैं, और साथ ही साथ इन्होंने वोट भी दिया और कहा कि विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है, सुशासन और विकास के नाम पर वोट की अपील की है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ शिशु शुक्ला को रखेंगे। तो वहां से जहां पर योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया वहीं से जायजा ले रही थी हमारी संवाददाता यशि शुक्ला। तो लगातार छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है, भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये छठे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। और इसी बीच तस्वीरें देख रहे हैं आप, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये देखिए आरपीएन सिंह पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी में, अभी हाल ही में शामिल हुए हैं ये आरपीएन सिंह, और इनको कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके उनके एक हथियार के तौर पर, उनके कार्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेश कर रही थी। लेकिन छठे चरण का लगातार मतदान जारी है और इसको लेकर अलग अलग तरह की तमाम तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। कई दिग्गजों ने मतदान किया है, सतीश द्विवेदी ने मतदान किया है, योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया, और शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्होंने मतदान किया, उपेंद्र तिवारी ने मतदान किया। ये देखिए आरपीएन सिंह पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बूथ के अंदर पहुंचे हुए हैं वो मतदान, और COVID-19 प्रोटोकॉल का बाकायदा पालन करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरपीएन सिंह पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने मतदान किया है, ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, आरपीएन सिंह ने मतदान किया है, ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने मतदान किया है और बूथ से सीधा ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपीएन सिंह ने मतदान किया है। तो तमाम दिग्गज लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे, और इसी बीच आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे थे बूथ पर। मतदान करने के बाद ये सीधा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और आरपीएन सिंह पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, आरपीएन सिंह मतदान करने के लिए पहुंचे हुए, मतदान करने के बाद ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पहुंचे हुए हैं आरपीएन सिंह। तो आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता मतदान करने के लिए पहुंचे, तो मतदान किया है आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो आरपीएन सिंह पहुंचे हुए हैं और मतदान किया है। लगातार तमाम दिग्गज जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और छठवें चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक ये मतदान जो है वो चलेगा, और इसी पर लगातार हम आपको ये महा कवरेज दिखा रहे हैं। और हमारे साथ मुदित माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।